चीजों का निर्माण कार्य देखिए, इस जगह पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं भाई, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रेलिंग लगाई गई है, जो यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगाई जानी थी, उसको एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक बीच में लगाया जाएगा जो कि यहाँ पे है, और एक उस जगह पे, तीनों के हो गया है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलिंग लगती हुई दिखाई देगी बहुत ही जल्द, जैसे पीछे की तरफ है सेम उसी तरह। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सतरंगी पुल के नीचे से जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये सब लाइटें वगैरह लगी हुई है, तो नीचे की तरफ ये यहाँ पे 3D में रंगोली वगैरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों को ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, ये है सरजू पुल, जो कि गोंडा बहराइच से जो है अयोध्या कैंट को जो है ये जोड़ता है। तो इस वाले पुल पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये पुल जो है दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये सब जो है पूरा सरजू नदी है, पूरा नाव वगैरह जो है चलते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों इस वीडियो का मेन पर्पस ये है दोस्तों, ये उत्सव आने वाला है जो कि 30 अक्टूबर को है, उसका पूरा जो है अपडेट देने वाला हूँ धर्मपथ का, क्योंकि मेन जो पॉइंट होगा दोस्तों वो धर्मपथ और राम की पैड़ी होगी। तो ज़्यादातर मैं इस समय फोकस जो है इन्हीं दो जगह पे कर रहा हूँ, क्योंकि लोग वही चीज़ देखना भी चाहते हैं, और मैं आपको जो है घर पे बैठ के आप हमारे चैनल की मदद से जो है देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि धर्मपथ पे क्या क्या डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है सरयू नदी है, जो कि बहुत ही अभी इस समय जलस्तर की बात करें तो आराम से नॉर्मल हो चुका है, और बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले, 1 से 1.5 महीना पहले जो है यहाँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा उधर का मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से है। अभी इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस तरफ का पूरा आपको अगर दृश्य दिखाई दे रहा हो, वहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो है राम की पैड़ी, जहाँ पे दीप उत्सव का मेन कार्यक्रम जो होता है वहाँ पे। फिलहाल इस बार घाटों पर भी दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि 25 से 28 लाख दिए इस बार जलाए जाने हैं, तो घाटों का भी सौंदर्यकरण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, जो कि बहुत बार वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बोट वगैरह यहाँ पे चल, ये देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आए और बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 50 रुपये पर पर्सन ये लोग लेते हैं, शेयरिंग में होता है, और बुक कराना चाहें तो वो भी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं पूरा धर्मपथ क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं। और दोस्तों इस, अगर आप नहीं जानते हो तो इस ओवरब्रिज को आप देख लीजिए, यहीं पर आतिशबाजी होती है दीपोत्सव के दिन, पूरा जितना भी आपको दिखाई देगा, तकरीबन 27 तारीख से ये पूरा जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस पार वाले इस पार नहीं आ पाएंगे, और आना हो तो उधर से जो है आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे जो NH-27 मेन हाईवे है, उधर से ही आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं पूरा आप देखें। तो चलते दिखाते हैं आपको धर्मपथ की पूरी जो है जानकारी आपको देता हूँ मैं, तो चलिए लेकर चलता हूँ आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ पूरा। दोस्तों इस पुल से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है, अगर आप जाना चाहते हैं राम की पैड़ी पे, तो वहाँ के लिए जो है रास्ता आगे से दिया गया है, जो कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कनक भवन, राम की पैड़ी तो यही है, और कनक भवन यहाँ से 2 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर, राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर, इतनी दूरी पे पड़ता है। देखिए अगर आप जाना चाहते हैं नीचे की तरफ स्नान करने के लिए, तो इधर से एक रास्ता दिया गया है, और दीप उत्सव की एंट्री जो होगी यहीं से होगी। और एक गेट आपको और देखने को मिलेगा, जो कि जो है इस बार नया जो बनाया गया, भाई दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ये वाला गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह से भी एंट्री इस बार होने वाली है। देखिए किस तरीके से सजावट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, लाइटिंग की जो है पूरी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, जो कि देखिए सजावट हो रहा है यहाँ पे, और पूरा रेलिंग वगैरह नए लगा दिए गए हैं, कि इस बार जो है दीप उत्सव में कोई भी एंट्री जो है बिना पास का अंदर की तरफ नहीं कर सकता। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुए हैं। और इस जगह पे मैंने आपको पुरानी वीडियो में देखा होगा, तो इस जगह पे जो है ये चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि इतना चौड़ा रोड पूरा बना दिया जाएगा, और पीछे की तरफ 80 दुकानें जो है 84 दुकानें पूरी बनी हुई है। तो देखिए ये पूरा देख सकते हैं किस तरीके से आगे की तरफ, यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा जो है चौड़ीकरण यहाँ पे हुआ है। आगे की तरफ जो है कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें भी यहाँ से दुकानें हटा दी जाएंगी। फिलहाल अभी दीप उत्सव का माहौल चल रहा है, तो इसलिए अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए इस तरफ भी लाइटिंग की व्यवस्था, ठीक है, देखिए किस तरीके से दोनों तरफ, इधर भी दोनों साइड आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सुलभ शौचालय जो है ये भी टूट जाएगा भाई, ये बड़े बड़े जनरेटर वगैरह आ गए हैं, देखिए लाइटिंग के कनेक्शन जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं पूरे। और बगल में आप देख सकते हैं ये पूरी राम की पैड़ी, इसके बगल में जो निर्माण कार्य चल रहा है भाई, बहुत ही गजब का निर्माण कार्य इस बार हो गया भाई। तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक बार में यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। गेट यहाँ पे लगाया गया है, देखिए 2-3 गेट ये हो गया, एक गेट आगे से जो पुराना वाला था वो तो था ही। देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि टॉयलेट वगैरह जो बने हुए थे, बाथरूम वगैरह,
उसको भी तोड़ दिया गया है। अब ये पुलिस चौकी भी टूटेगी लेकिन दीप उत्सव के बाद होगा जो भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि आने वाले जो है आज की बात करें दोस्तों तो आज है 25 अक्टूबर और दिन की बात करें तो आज है शुक्रवार। देखिए एक गेट यहाँ पे है और ये है सामने की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लता मंगेशकर चौक और दोस्तों दिन है शुक्रवार और टाइम की बात करें तो सुबह के 10 बज रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको फोटोग्राफर वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप जो है इस जगह पे आराम से फोटो वोटो क्लिक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। दोस्तों ये पूरा देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ आप जाएंगे तो अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टेज वगैरह बनाया जा रहा है इस तरफ और इधर जाएंगे श्रीराम पथ पे। और इस जगह की बात करें दोस्तों जो मैं दिखाने वाला था जिन चीज़ों का निर्माण कार्य, देखिए इस जगह पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं भाई, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रेलिंग लगाई गई है, जो यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगाई जानी थी उसको हटा दिया गया भाई। अभी इस तरीके की कुछ रेलिंग यहाँ पे लगाई गई है, देखिए किस तरीके की रेलिंग है और पूरा जो है बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है। अभी आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये है यहाँ का जो है सूर्य स्तंभ, आप देख सकते हैं 10 इस तरफ 10 उस तरफ 20 सूर्य स्तंभ। ये देखिए भाई यहाँ पे जो है देखिए किस तरीके से पोल वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है बहुत ही तगड़े से निर्माण कार्य चल रहा है। अभी आपने जो है एक दो दिन पहले जो मैंने यहाँ की वीडियो डाली थी तब ये बिल्कुल एक जगह फिट हुआ था, बाकी देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है भाई। और ये बताया जा रहा है 28 तारीख तक ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा लगभग के। देखिए ये देखिए बड़े बड़े स्क्रीन वगैरह यहाँ पर लगा, हर जगह पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है भाई। जो गेट वगैरह बता रहे थे ये देखिए यहाँ पे जो है स्क्रीन लगाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से स्क्रीन वगैरह लगाए जाएंगे। इन सभी पे जो है दीपोत्सव का जो त्यौहार होगा पूरी जो है लाइव चलाया जाएगा भाई। इस पे देख सकते हैं किस तरीके से है पूरा, और बहुत जगह पे एक ही जगह नहीं है, उस तरफ भी लगाया गया है। इस तरफ जो इस तरफ हो रहा है वही सेम उस तरफ जो लगाया जा रहा है। जो लोग भी आएंगे भाई, लाइटिंग की व्यवस्था क्या है तो देखिए इस तरीके की कुछ लाइटिंग लगाई गई है, ऊपर जो है स्पीकर वगैरह भी बांधे गए हैं, है ना। देखो भाई देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको रामायण कालीन दृश्य वगैरह दिखाई देंगे इनके ऊपर भी लाइटिंग लगी हुई जो कि पुराना ही है। और देखिए अब इस जगह पे लगने का काम चालू हो गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेलिंग लगती हुई दिखाई देगी बहुत ही जल्द। जैसे कि पीछे की तरफ है सेम उसी तरीके से देखिए कितने सारे जो है यहाँ पे सामान वगैरह रखे गए हैं। देखिए भाई पाइप वगैरह है, ये यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, ये देखो जनरेटर है ये, है ना। तो ऐसे कुछ बिल्डिंग वगैरह करके जो है पूरा किया जाएगा। ये सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है राम कथा संग्रहालय, जहाँ पे जो है जो अवशेष मिले थे राम मंदिर के खुदाई में वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर की तरफ रखी गई हुई हैं। और देखो भाई अगर देख सकते हैं आप इधर, ये इधर की तरफ आपको अच्छे अच्छे शौचालय भी वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि जिसका रास्ता पीछे से ही दिया गया है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीन आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चीज़ें देख सकते हैं रात में भाई इसका जो है यहाँ पर जो लाइव चलने वाला है वो तो देखने लायक है भाई। बहुत ही जल्द यहाँ पे जो है रात का जो है मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अयोध्या से जुड़ी हुई सभी डेवलपमेंट की वीडियो, जो 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 है जो भी त्यौहार आता है, जैसा भी यहाँ पे सजावट वगैरह होती है, जो भी हर वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक बीच में लगाया जाएगा जो कि यहाँ पे है और एक उस जगह पे, तीनों के तीनों जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई। रात का दृश्य जब ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो फिलहाल मुझे तो लग रहा है जब तक ये सब जगह पे लग नहीं जाएगा तब तक ये स्टार्ट तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ का जो है भाई, और जो ये लोग बता रहे हैं कि 28 तारीख तक जो है ये पूरा रेलिंग वगैरह यहाँ पे लग के तैयार हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ जो है यहाँ पे डिवाइडर वगैरह लगा दिए गए हैं भाई। इसको इस पर जो है पूरा पुट्टी वगैरह हो भी चुका है, है ना। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं देख सकते हैं। और दीप उत्सव का त्यौहार भाई आने वाले 5 दिनों में ही है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको जो है हर जगह से जहाँ भी डेवलपमेंट चल रहा है अधिकतर जो भी वर्कर वगैरह हैं उनको उठा के राम की पैड़ी और यहाँ पे और श्री राम पथ पे 3 जगह लगा दिया गया है कि जो भी कार्यक्रम हो जो भी कार्य करना हो भाई बहुत ही तीव्र। देखिए बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं किस तरीके से स्कूली बच्चे भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस जगह पे देखिए भाई, इस जगह पे पुलिस बूथ वगैरह है, हर चीज़ है। अगर आप जाना चाहते हैं पचकोसी परिक्रमा मार्ग की तरफ तो एक ये रास्ता दिया गया है जहाँ पे आप जा सकते हैं पचकोसी परिक्रमा मार्ग, और देख सकते हैं किस तरीके से सजावट, और इस रोड का भी जो है पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका भी वीडियो मैं बना लेकर जो है बना हुआ है इसका,
और देखो भाई यहाँ पे रेलिंग लग के बिल्कुल तैयार, देखिए पीछे की तरफ थोड़ी सी दूरी पे नहीं लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे एकदम लग के तैयार है। और भाई इसी तरीके से जो मैं बता रहा था, देखिए यहाँ भी जो है बिल्कुल पैनल लगाए जा रहे हैं जो कि इस पे स्क्रीन वाले पैनल हैं, पूरा जो है जलेगा। देखो भाई यहाँ पे उस तरफ जो निर्माण कार्य अभी नहीं हुए थे जो है डिवाइडर के, देखिए किस तरीके से यहाँ पे किए जा रहे हैं, पूरा डिवाइडर का निर्माण इधर हो रहा है। और जैसे ही डिवाइडर का निर्माण होगा उसके बाद में जो है पूरी की पूरी जो है इस तरीके से कुछ रेलिंग वगैरह लग के उधर भी तैयार हो जाएगी। देखिए और अभी देख सकते हैं ये है अयोध्या राम घाट हार्ट स्टेशन। और इस जगह पे बात के दोस्तों तो ये बगल बगल में जो आपको चौड़ीकरण का जो है पूरा कार्य दिखाई देगा, उधर की तरफ भी एक रोड बनाया जा रहा है जो कि इधर इसी में जो है एकदम मिला दिया जाएगा। देखिए एक गेट यहाँ पे बनाया जा रहा है। अरे भाई बहुत ही गजब का, अगर इस बार की दीपावली भाई अगर बात करें तो जब राम मंदिर में जो दीप उत्सव का त्यौहार होगा वो 500 सालों के बाद ही ऐसा त्यौहार इस बार पहली बार मनाया जाएगा। जबकि 22 जनवरी को जो है इनॉग्रेशन था भगवान राम के मंदिर का, रामलला का जो है उद्घाटन था, उसके बाद में जो है पहला दीप उत्सव ये मनाया जाएगा। बगल बगल में आपको दिखाई देगा कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो बगल बगल में ही चल रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बगल में कई बार बना चुका हूँ भाई। तो इस बार का जो मेन पर्पस हमारा इस वीडियो का है तो आपको ये दिखाना है कि लाइटिंग वगैरह और धर्मपथ पे क्या क्या नए व्यवस्था किए जा रहे हैं दीपोत्सव को लेकर। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको अभी अभी तो भाई 5 दिन बाकी है, तो अभी 3 दिन में और भी ज़्यादा जो भी करना होगा मेन जो व्यवस्था करनी होगी, अभी तो अभी स्टार्टिंग ही है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे पैनल वगैरह लगने के लिए बाकी है, पूरा बॉक्स वगैरह खुला नहीं है, तीनों तरफ एक तरफ उधर की तरफ लग गया है, इधर की तरफ अभी नहीं लगा है। तो कुछ इस तरीके से व्यवस्था है। और इस रूट की बात करें तो एक रूट ये है, एक रूट इसके बगल में पैदल पथ, इसके बगल में एक उसके बगल में, भाई 4-4-8 लाइन का निर्माण कार्य यहाँ पे जो है चल रहा है इस समय भाई। और निर्माण की बात करें भाई सबसे खूबसूरत और सबसे चौड़ा पथ इस बार जो होने वाला है वो है धर्म पथ। भाई धर्म पथ के निर्माण कार्य की बात करें तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से इसका निर्माण कार्य अगल बगल में हो भी रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को भी मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं जैसा सूर्य स्तंभ पीछे की तरफ लगाया गया था वैसा ही सूर्य स्तंभ इधर उधर दोनों तरफ भी अभी लगाया गया है। और आगे की तरफ देख सकते हैं ये है वेलकम गेट, जो कि सूर्य भगवान ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे 7 घोड़ों पर सवार हुए। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी आगे जाएंगे भाई, दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रामायणकालीन दृश्य बनाया गया है और इसके नीचे अंकित भी किया गया है। अगर आपको नहीं पता हो कि क्या चीज़ दर्शाया गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक के उपरांत श्री राम दरबार, देखिए राम दरबार ये पूरा है। जब यहाँ पे राज्य अभिषेक हुआ था, भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तब का ये पूरा सीन आप देख सकते हैं किस तरीके से है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है देखिए। और अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूरा हाईवे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है धर्मा चौक। तो चलिए थोड़ा सा इधर से चल के आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। और पूरा लागत वगैरह यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है कि इस रूट का जो लागत वगैरह है वो किस तरीके से है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा धर्मपथ। और धर्मपथ पे इस बार जो है अभी तक तो मैं उधर से पूरा आपको जो है दिखाता चला ही आया हूँ, थोड़ा सा इधर से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और किस तरीके से आपको यहाँ पे निर्माण कार्य देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य है बहुत ही तीव्र गति से भाई। मात्र अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फिलहाल दीप उत्सव में जो एंट्री अगर किसी की होगी यहाँ पे इस जगह पे तो सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से आगे से जो है आप अगर बाइक वगैरह से आते हैं और बाइक की एंट्री ना हो तो आप पैदल भी आएंगे तो आपको ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। और अगर आप पैदल आते हैं तो पैदल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है सतरंगी पुल के नीचे से जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सब लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, तो नीचे की तरफ अगर ये यहाँ पे 3D में रंगोली वगैरह नीचे दिखाई देती है अगर आप रात में आएंगे भाई तो इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का रहता है कि अब आपको हम क्या ही बता दें। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा यहाँ पे सजावट वगैरह की जा रही है। ये जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं जो नए डिवाइडर यहाँ पे बने हुए हैं उसके ऊपर जो है कपड़े डाल के और पानी डाले जाते हैं जिससे मजबूती आ जाए। तो ये भी अभी बहुत ही जल्द देखा है, 2 दिन में इसको हटा के इस पर पेंट वगैरह कर दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे LED उतर रही है जो कि इस पर लगाए जाएंगे भाई, देख सकते हैं।
और भाई बहुत ही ज़्यादा, जैसे हर चीज़ जो है एक एक आदमी को, जो मेन टेंडर होता है इसका, तो टेंडर अलग अलग आदमी का होता है और वो अपना काम जो है बखूबी से करता भी है। देखिए यहाँ पे पलस्टर हो रहे हैं, पूरा डिवाइडर पे देख सकते हैं ये पलस्टर हो रहा है, आगे की तरफ भी ढलाई साँचा जो है लगा के ढलाई का काम किया जा रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं इस जगह पर। और ये देखिए यहाँ पर जो है हनुमान गुफा चौराहा ये आ गया है, और इस जगह से आप जा सकते हैं पचकोसी परिक्रमा मार्ग की तरफ। और अगर आप जो है, अगर आप यहां से जो डायरेक्टली जाते हैं तो लता मंगेशकर चौक बहुत ही नज़दीक, देखिए स्कूली बच्चे किस तरीके से यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सब बच्चे जो है आए हुए हैं यहां पे, जो है पिकनिक पे आए हुए हैं, तो ये सब जो है पूरा देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो है पिकनिक के लिए बच्चे वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे। भाई देखिए उधर कलर किए जा रहे हैं पूरा, देख सकते हैं किस तरीके से जो इसको जो है, जो इस पर छेद वगैरह है उसका जो है मुँह थोड़ा चौड़ा करके जो है उसको भी, उस पर जो आगे तक रेलिंग लगा हुआ इस जगह पे बहुत ही जल्द जो है लग के तैयार हो जाएगा, जो कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया किस जगह पे जो है लगा भी हुआ है। देखिए भाई अभी पैनल वगैरह भाई लग गया इस बार, तो बहुत ही गजब का लग रहा है भाई, रात में देखने में इसमें जो है और भी अच्छा लगेगा इसमें। देखिए ये पूरा घाट है जो कि आपने देखा होगा, इन सभी घाटों पे जो है दीप उत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर बात करते हैं दोस्तों कि ये वाला जो आपको राम की पैड़ी से जो पानी आता है इधर से ही जो है इधर की तरफ कट जाता है, ये चौधरी चरण सिंह घाट है, यहाँ पे आपको जो है दीप उत्सव का त्यौहार, दीप उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और दो तीन जगह जो है, चार जगह दीप उत्सव बहुत ही तेज़ी से मनाया जाता है, जो कि एक नंबर पर चौधरी चरण सिंह घाट, दूसरा ये है, और तीसरे पर जो है आपका राम की पैड़ी पर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है कार्य चल रहे हैं, देखिए यहाँ तक पूरा लग के तैयार हो गया पूरा रेलिंग, किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं, और जो यहाँ पे लगने के लिए आया था भाई पहले स्टील वाला रेलिंग, वो देख सकते उस जगह पे पूरा रखा गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई होंगी इसी वजह से उनको निकाल दिया गया है। अभी यहाँ पर जो है टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, देखिए सुलभ टॉयलेट वगैरह यहाँ पर है ना, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे आपको, ये देखिए अगर आप जाना चाहते हैं श्री राम पथ पे, तो श्री राम पथ जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में जाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता अंदर से जाएंगे तो आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा श्री राम पथ, और ये वाला रास्ता आपको फिर से वही सरजू घाट तक लेकर जाएगा जहाँ से मैं अभी आया हुआ हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है किस तरीके से बनाया जा रहा है पूरा स्टेज वगैरह, देखिए तरीके से बनाया जा रहा है पूरा स्टेज वगैरह, देखिए चलिए उधर चलता हूँ दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा किस तरीके से कैसे क्या है ना। देखिए यहाँ पे देखो भाई सभी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, देखिए तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमारी वीडियो। वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।